दोस्तों आपने गंगा पुत्र भीष्म को तो महाभारत में देखा होगा, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, जिन्हें तीरों की संज्ञा पर सोना पड़ा था। पर क्या आपको पता है कि पहले इनका नाम देवव्रत था, अब इनका नाम देवव्रत से भीष्म कैसे पड़ा, क्या है इसके पीछे का कारण, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों गंगा ने जब कुरु वंश के राजा शांतनु से विवाह किया तो उन्होंने उनके सामने एक शर्त रखी कि मैं जो भी काम करूंगी आप उसे करने से मुझे रोकेंगे नहीं। जिस दिन आपने मुझे रोकने की कोशिश भी की उस दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। महाराज शांतनु से विवाह के बाद गंगा को एक एक करके 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। गंगा ने अपने सभी 7 पुत्रों को एक एक करके गंगा में बहवा दी। जब भी महाराज शांतनु इस दृश्य को देखते तो वह बहुत दुखी होते, लेकिन शर्त की वजह से वह उनको रोक नहीं पाते। जब गंगा को 8वें पुत्र की प्राप्ति हुई तो उसे भी वे सभी पुत्रों की तरह गंगा में बहवाने के लिए ले जाने लगी, जिसे देख महाराज शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने गंगा को रोकते हुए कहा कि तुम कैसी माँ हो जो अपने ही पुत्रों का वध कर रही हो। इस पर गंगा ने जवाब दिया कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके इस पुत्र को आपके पास रहने दूं तो मैं इसे जीवित छोड़ देती हूं, लेकिन अपने शर्त के अनुसार अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। यह कहकर गंगा वहां से चली गई और वह 8वां संतान देवव्रत था। युवा होने के बाद एक दिन उन्होंने देखा कि उनके पिता कुछ दिनों से काफी उदास हैं। महाराज शांतनु ने अपने बेटे को कुछ नहीं बताया, फिर भी देवव्रत को उनकी उदासी का कारण पता चल गया। वे जान गए कि उनकी उदासी का कारण एक कन्या थी जिससे वह प्रेम करते थे, जिनका नाम सत्यवती था। देवव्रत उस कन्या के पास गए और उनसे कहा कि मेरे पिता आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप उनसे विवाह कर लीजिए। लेकिन उस कन्या ने इनकार कर दिया। उन्होंने जब इसका कारण पूछा तो सत्यवती ने जवाब दिया कि कुरुवंश के सिंहासन पर तो तुम ही बैठोगे, तो मेरे पुत्रों का क्या होगा। देवव्रत ने कहा, मैं आज ही प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कुरुवंश के सिंहासन पर कभी नहीं बैठूंगा। इस पर सत्यवती ने कहा कि क्या आपके पुत्र इस प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। उनकी यह बात सुनकर देवव्रत ने अपने दोनों हाथ उठाकर यह प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। उनकी यह प्रतिज्ञा सुनकर आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और यह आकाशवाणी हुई कि देवव्रत इतनी भीषण प्रतिज्ञा केवल तुम ही कर सकते हो, इसलिए आज से तुम भीष्म नाम से जाने जाओगे। तभी से उनको सभी भीष्म पितामह के नाम से जानने लगे और शांतनु का सत्यवती के साथ विवाह हो गया, जिससे शांतनु ने प्रसन्न होकर भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर कंटेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो ये भी बताइए। धन्यवाद।